दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राशि उपचार में। दोस्तों, ये वीडियो है खास प्रेमियों के लिए। अगर प्रेम विवाह में बाधाएं आ रही हैं, परिवारों में विवाद है, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो है खास आपके लिए। अपनाएं ये ज्योतिषी उपाय और दूर करें अपने प्रेम विवाह में आ रही बाधाओं को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृपया मेरे जितने भी नए व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ लोगों की सोच भी आधुनिक हो गई है, लेकिन एक चीज़ है जो आज भी नहीं बदली है और वो है विवाह की रस्म। अब लोग प्रेम विवाह को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, लेकिन ऐसा कतई भी ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपका प्रेम विवाह भी निश्चित होगा। हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह का विधान है, जिसमें ब्रह्मा विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और पैसाच विवाह को सबसे नीच की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रों के अनुसार गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज कहा गया है। गंधर्व विवाह के अंतर्गत स्त्री और पुरुष अपनी मर्जी और अपनी पसंद से एक दूसरे से विवाह करते थे। आइए जानते हैं किसका होता है प्रेम विवाह। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा या नहीं, ये उसके कुंडली से ज्ञात किया जा सकता है। कुंडली में विराजमान ग्रहों की स्थिति से यह पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह का योग है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह के कुंडली से प्रेम विवाह के योग के बारे में पता लगाया जा सकता है। प्रेम विवाह का भाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। यदि सप्तम भाव का संबंध कुंडली के तीसरे, पांचवे, नौवे या बारहवें भाव से हो तो उस जातक का प्रेम विवाह होता है। लगन स्थान के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी के बीच युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक के प्रेम विवाह के योग बनते हैं। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन आपको परिवार की अनुमति नहीं मिल रही है या अन्य कोई समस्या आपके प्रेम विवाह के बीच आ रही है, तो ये उपाय इस काम को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्रेम विवाह के उपायों के बारे में। शिव का रुद्राभिषेक। अगर आप प्रेम विवाह के इच्छुक हैं तो आप भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग का शहद से रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव की कृपा से आपको मनचाहा जीवन साथी अवश्य मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दाम्पत्य सुख के प्रतीक भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन से भी विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी किया था। आप चाहे तो 16 सोमवार का व्रत भी रख सकती हैं, जिससे कि आपको मन चाहे पति अवश्य मिलेंगे। नियमित रूप से मंदिर जाकर भी शिव पार्वती की आराधना करें, इससे आपके प्रेम विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। अपने प्रेम विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए दूध में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग के समक्ष रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के चमत्कारी मंत्र ओम सोमेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। भगवान शिव की कृपा से निश्चित ही आपके विवाह की सभी बाधाएं दूर होंगी। अगर आप दूध से अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो केवल जल से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्र और जल से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप जाकर मंदिर में जल और बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। इनसे शिव ज़रूर प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिव पार्वती प्रेम के अटूट बंधन का उदाहरण है हिंदू धर्म में। इसलिए शिव आप पे ज़रूर कृपा बरसाएंगे। आप अपने मन से शिव की पूजा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको अपने प्रेमी से मिला दें। वो आप पे आशीर्वाद ज़रूर देंगे। दोस्तों, अगर आपके प्रेम विवाह या विवाह में कोई मुश्किल आ रही है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ। हम आपसे शीघ्र संपर्क करेंगे और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।